हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। जी हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट पे कि किस तरह से बहुत सारे रेजिस्टर जब आपस में सीरीज या पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो हम उनसे कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। और अगर आपको सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो अभी जाके आप उस वीडियो को देखें, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ लॉकडाउन की भी। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो आप किस तरह इस क्वारंटाइन को अपना बेस्ट क्वारंटाइन बना सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ जाके उस ब्लॉग को भी पढ़िएगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको पता चलेगा आप किस तरह से इस टाइम को, जो कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को एनहेंस करने की, आप कर सकते हैं, किस तरह आप अपने स्किल्स को सुधार सकते हैं, किस तरह आप नई चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, तो उसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। हम जानते हैं कि आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो इस न्यूमेरिकल्स को भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो प्लीज़ जाके आप वहाँ से उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसको भी आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा, उसका भी लिंक है, तो आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिशन दोनों के प्रस्पेक्टिव से। सो प्लीज़ कीजिएगा, वो क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, तो आप प्लीज़ देखिएगा। तो इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बगल अप, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जी हाँ, पहला क्वेश्चन हमने थोड़ा ईजी से रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा कि स्टार्टिंग हम ईजी से ही करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता हुआ चले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन रजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों सीरीज में। अब किस तरह से सीरीज में, आप कैसे कहेंगे कि भैया ये सीरीज में कैसे है? तो सीरीज में ऐसे है कि अगर आप इस पॉइंट से करंट को फ्लो कराते हैं तो आप देख सकते हैं करंट को दूसरा कोई पाथ मिल ही नहीं रहा है, सेम करंट आपका तीनों रेजिस्टर्स में जा रहा है, तो ये सीरीज में हुआ। सीरीज का आपको याद था कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, यानी कि आर इक्विवेलेंट हमारा वन प्लस वन होगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट हमारा थ्री ओम हो गया। इस तरह से हम अपने सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पैरेलल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि करंट को हमें तीन पाथ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको वो ऊपर भी जा सकता है, वो बीच में भी जा सकता है, और वो नीचे भी जा सकता है, यानी कि करंट को तीन पाथ मिल रहा है, यानी कि करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल में है। तो अब आपको सीरीज और पैरेलल को पहचानने का तरीका पता चल रहा होगा कि अगर सेम करंट फ्लो होता है तो वो सीरीज होता है, लेकिन अगर करंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है तो वो पैरेलल होता है। तो पैरेलल कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा कि आर वन बाई आर इक्विवेलेंट हमारा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री होता है, यानी वन बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा वो वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन, यानी वन बाई आर इक्विवेलेंट हमारा थ्री अपॉन वन हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हमारा जो होगा वो वन बाई थ्री ओम होगा। तो यहाँ से हमारा आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए भी निकल गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमारे सीरीज में और दो हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो सेम ही करंट आर वन और आर टू में जा रहा है, लेकिन आर थ्री में हमारा करंट डिवाइड हो गया है और आर फोर में, तो यहाँ से ये दोनों पैरेलल में। तो अब हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों को एक साथ, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको लग रहा है कि दो क्वेश्चन को जोड़ा गया है, तो आप प्लीज़ उन दोनों क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को दो पार्ट में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने क्या वन बाई आर बाई आर वन टू हमारा हो गया आर वन प्लस आर टू, और आर वन टू हो गया हमारा वन प्लस वन, यानी कि आर वन टू हमारा टू ओम हो गया। आर थ्री आर फोर को करेंगे तो ये हमारा, अब आप कहेंगे आर थ्री इंटू आर फोर डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस आर फोर। एक्चुअली ये छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब अगर दो ही रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं उनका ये फॉर्मूला होता है, बट इसको मैं आपको बता देता हूँ ये आया कैसे। ये वन बाय आर, ठीक है आप देख देते हैं वन बाई आर, इसका जो वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर होगा, तो नीचे ये एलसीएम लेंगे तो आर थ्री आर फोर देगा, ऊपर आर फोर प्लस आर थ्री देगा। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो आर थ्री फोर हमारा आर थ्री इंटू आर फोर डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस आर फोर हो जाएगा, यानी आर थ्री फोर हमारा वन इंटू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन हो जाएगा, जो कि हमारा कुछ सॉल्व हो जाए, ओके क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर इसके साथ ही अब आगे चलते हैं। जब ये हमारे आर वन टू और आर थ्री फोर आ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा
R34 हमारा 1/2 ओम हो जाएगा। नाउ बोथ द रेजिस्टर विल बी इन सीरीज। अब आप जैसे देख सकते हैं R12 और R34 दोनों ही सीरीज में आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों मिलके एक बन गया और ये दोनों एक बन गया, तो वो दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R12 प्लस R34 दोनों, तो 2 + 1/2 एलसीएम लेंगे, 4 + 1/2 यानी R इक्विवेलेंट हमारा 5/2 ओम हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन सेम ही है थोड़ा बहुत, R1 है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं R2, R3, R4 पैरेलल में, फिर R5 है, फिर R6, R7। तो यहाँ पे हम इन पैरेलल वालों को पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको हम एक बना देते हैं। तो R2 1/R2 3/4 इसको 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू 1 ही है एज ईच रेजिस्टेंस आर 1 ओम, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1, तो R2 3/4 हमारा 1/3 ओम आ जाएगा। और R6 और R7 को सॉल्व करेंगे तो 1/R6 7 हमारा 1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा, R6 7 हमारा 1/2 हो जाएगा। अब आपने इसको और इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि अभी ये तो एक ही बन चुका है, तो 1, 2, 3, 4 ये चारों वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे सॉरी। ऑल द रेजिस्टर विल कम इन सीरीज R1 R2। नाउ ऑल द रेजिस्टर विल कम इन सीरीज R1 R2 R3 R4 R6 R6 7। Now all the resistor will come in series R1 R2 3 4 R5 R6 7। अब इनकी वैल्यू हम रखेंगे तो 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2। इन्हें मैंने 1/1 इसलिए लिखा ताकि दिक्कत ना हो। फिर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 + 2 + 6 + 3 / 6 यानी R इक्विवेलेंट हमारा 17/6 ओम हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन टू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R- देन द रेशियो ऑफ R/R-। यानी कि वो पूछ क्या रहा है, एक वायर है हमारा जिसका रेजिस्टेंस हमारा R है, इस वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया और उन पांचों को हमने पैरेलल में लगा दिया इस तरह से, ये देख सकते हैं पैरेलल में लग गए। तो अब इनके रेजिस्टेंस क्या होंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बात हो रही है। तो पहले तो बात आप जानते ही हैं कि कोई भी वायर है उसका एरिया जो है ए होगा और लेंथ एल है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो रो एल बाय ए हो जाएगा। हमारे बात करते हैं पहले मेन वायर की, तो उसका जो रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आ रहा है, तो R इज टू रो एल बाई ए, ये पी नहीं है रो है याद रखिएगा। तो अगर हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि हमारे लेंथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा 5 बाई से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि स्मॉल एल हो जाएगा वो हमारा एल बाई 5 हो जाएगा। तो यहीं से अगर अब हम आगे देखें, इन ईच जो हमारे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 और R5, इनका क्या होगा, तो R1 होगा वो हमारा रो L बाई 5 A होगा, यानी कि जो लेंथ है वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम L की जगह क्या लिखेंगे, L बाई 5। लेकिन जो हमारे पांचों है उनके सेम ही हो जाएंगे लेंथ एज L बाई 5 डिवाइड हो रहा है, तो R1 इसकोस टू R2 प्लस, तो एज हमारा जो लेंथ है वो सेम ही डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारे R1 जो है वो R2 के इक्वल होगा, R2 जो है वो R3 के इक्वल होगा, और वैसे ही वो R4 और R5 के भी इक्वल होगा, यानी कि पांचों रेजिस्टेंस जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। तो अब हम इन्हें पैरेलली सॉल्व करना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट R- इसको टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यानी कि अब जैसे कि R1 R2 के इक्वल है R2 R3 के, और R3 R4 और R5 यानी कि पांचों रेजिस्टर्स एक दूसरे के इक्वल है, हम एक ही उससे डिनोट कर सके, यानी कि R1 से अगर हम करना चाहें तो 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1, यहाँ पे R4 और R5 निकले, उससे आपको मत होइएगा ये 1/R1 ही है, इसे मैंने R4 और R5 से डिनोट कर दिया। तो अब ये दोनों सेम है, तो आप उससे वो मत होइएगा। अब जैसे कि 1/R- है हमारा, वो इनके डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से, एज डिनोमिनेटर सेम है, अब हमारे ऊपर के सम हो जाएंगे, यानी कि 5/R1 हो जाएगा। तो
जैसे ऐसे कि ये 1/r है, तो यानी r डैश को जब हम उल्टा करेंगे तो वो r1/5 हो जाएगा। अब r1 जो है हमारा वो क्या था, वो रो l बाई 5/a है, तो हम यहाँ रखेंगे ये 5/5 से मल्टीप्लाई, यानी कि रो l बाई 25a हो जाएगा, यानी कि हमारा जो r डैश है वो हमारा रो l 25/a हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, r डैश इज इक्वल टू रो l बाई 25a को, तो ये कुछ इस तरह से r डैश अगर हम 25 1 बाई 25 को अलग कर ले और रो l बाई a को अलग कर ले, तो रो l बाई a हमारा r है, जो कि हमने मेन वायर के लिए पहले ही वो बताया था, r इज इक्वल टू रो l बाई a, रो l बाई a r है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। r डैश बाई r हमारा जो हो जाएगा वो 1 बाई 25 रहे, यानी कि r जो है हमारा वो 25 r डैश हो जाएगा, ये हमारा रेशियो आ गया। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, आई होप आपको समझ में आया, और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे ग्रुप में आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और प्लीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो कीजिएगा, एज मेरी वीडियो 3 से 4 दिन में आती है तो आपको पता ही है, 3 से 4 दिनों में आपको क्वेश्चन कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ पूछिएगा।